लाहौर से कराची जाने वाला PI-71 गिरकर तबाह, अमले समेत 107 मुसाफिर सवार थे। कराची एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का त्यारा गिर गया। जहाज में अमले समेत 107 लोग सवार थे। सिक्योरिटी अदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक PIA की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 8303 को हादसा मॉडल कॉलोनी के इलाके में पेश आया। सिविल एविएशन की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोरोना के बायस मुसाफरों की तादाद ज्यादा न थी। हादसे की जगह से 5 लाशों को निकाल लिया गया है। तर्जमान PIA अब्दुल्ला ने जहाज गिरने की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि हादसे का शिकार त्यारा PIA का था। अभी मजीद तफसीलात हासिल कर रहे हैं। अभी हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। जहाज में अमले के 9 अफराद सवार थे। अमले में सज्जाद गुल, उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम, मलिक इरफान, मदीहा इकराम, आमना इरफान और आसमा शहजादी शामिल हैं। हादसे में 10 से ज्यादा रिहायशी अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। मशीनरी, फायर ब्रिगेड और रजाकार इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मशीर हवाबाजी ने बताया कि त्यारे में 99 मुसाफिर और अमले के साथ अफराद सवार थे। त्यारा रिहायशी इलाके में गिरा, जिसकी वजह से जमीन पर भी नुकसान हुआ। ताहम अभी होने वाले नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था, जिस पर कंट्रोल टावर ने इसे एक और चक्कर लगाने का कहा। कॉलोनी के ऊपर से एक और चक्कर लगाकर वापस लैंडिंग करने जा रहा था, जिस दौरान ये गिरकर तबाह हुआ।